आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.5 की। इफ 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड। अच्छा, इसमें ना दो चीजें पूछी हुई है कि एक फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, इसको मैं एक कंसिडर करूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी निकल आई तो आपको टाइम पीरियड उसका रेसिप्रोकल होता है। और दूसरा उसने पूछा हुआ कैलकुलेट द वेव स्पीड अगर उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। तो पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालते हैं, उसके बाद हम वेव स्पीड निकालेंगे यानी कि वेलोसिटी निकालेंगे। अब क्वेश्चन इस तरह है कि 100 वेव पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स। वह हम फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सेकंड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, हमारे पास 100 वेव्स हैं और 20 सेकंड पास करनी है, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी ना वो होगी नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स और वो पासिंग थ्रू द टाइम, यहाँ पे टाइम टेकन आ जाएगा, मैं इसको यहाँ पे टाइम कह देता हूँ। तो नंबर ऑफ वेव्स हमारे पास कितनी है 100 और टाइम है मेरे पास 20, तो जब मैं 100 को 20 से डिवाइड करूँ तो ये 5 हर्ट्ज आता है, तो यूं आपने फ्रीक्वेंसी निकाल ली, दैट इज 5 हर्ट्ज। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड ऑफ द वेव को निकालेंगे, और टाइम पीरियड कैसे होता है, टी इज इक्वल टू 1/f और ये 1/5 हो जाएगा, तो जब मैं 1 को 5 से डिवाइड करूंगा तो दैट इज 1/5 मेरे पास क्या आता है जी 0.2 सेकंड। तो मेरे पास हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ गया जी 0.2 सेकंड। अब हमने इसमें लास्ट चीज फाइंड करनी है, दैट इज द वेव स्पीड वी। ठीक है, तो वी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि हमारे पास जो वी का फार्मूला होता है वी इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, और हमारे पास आपको पता है एफ की वैल्यू कितनी निकली है 5 हर्ट्ज और लैम्डा कितना है 6 सेंटीमीटर। बच्चों आपने ना एक चीज याद रखनी है कि जब भी ना फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे ना तो उन वैल्यूज के जो यूनिट है ना वो एसआई यूनिट होने चाहिए। तो अगर मैं इसमें कहूं कि लैम्डा मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो 6/100 होगा ना, तो दैट इज 0.06 मीटर्स, तो ये 0.06 मीटर्स हो जाएगा, और इसको हम इसमें पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5 × 0.06, तो जब आप इस 5 को 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं आपने वेलोसिटी भी फाइंड कर लेनी है, दैट इज 0.3 मीटर्स पर सेकेंड। आए चलते हैं हमने नेक्स्ट।